अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ये जब हम मुस्तकबिल की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, और उसके अंदर जो सिंपल टाइप के जो काम होते हैं उनको हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। तो चल के देखते हैं कि इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट में सिंपल सेंटेंसेस होंगे और फ्यूचर के होंगे। जिस तरह लड़के तमाशा देखने जाएंगे, मदारी अपने करतब दिखाएगा, पहलवान अखाड़े में उतरेंगे, ठीक है, मैं वजीफा हासिल करूंगा वगैरह। इसकी जो बनावट है उसकी बनावट भी वैसे है जैसे बाकी टेंसेस की सीक्वेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब आती है ऑब्जेक्ट, वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो मोस्टली विल यूज होता है। विल और शैल, शैल जो है ना, अब इतना यूज नहीं करते, हर चीज के लिए विल इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखनी है और हेल्पिंग वर्ब विल याद रखना है। और जिस तरह मैं वजीफा हासिल करके रहूंगा, आई विल गेट अ स्कॉलरशिप, हम दुश्मन को शिकस्त दे के रहेंगे, वी विल डिफीट द एनिमी, वो जरूर जुर्माना अदा करेगा, ही शैल पे द फाइन, वो जरूर सदर का इंतजार करेंगे, दे शैल वेट फॉर द प्रेसिडेंट। अच्छा, एक और चीज भी होती है कि अगर आप हमने ट्रांसलेशन करनी है जरूर की तो उसकी जगह हम शैल लगा देते हैं, ठीक है। जिस तरह ये आपने दो तीन एग्जांपल देखी, तुम जरूर हमारे हुक्म की तामील करोगे, यू शैल ओबे आवर ऑर्डर। लेकिन नॉर्मली जो है हम हर एक के साथ इसमें ही शी इट आई वो यू दे सबके साथ हम विल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, मतलब नॉट लगाना है, मैं वजीफा हासिल करके नहीं रहूंगा या मैं वजीफा हासिल नहीं करूंगा, तो आपने विल के बाद या शैल के बाद जो है ना नॉट लगा देना। इसी तरह अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना है, सवाल या फिक्र बनाना है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम सब्जेक्ट के शुरू में लिख देंगे तो वो जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा, सवालिया सेंटेंस बन जाएगा। तो आगे चल के हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको ये नेगेटिव की भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे दूंगा और इंटेरोगेटिव की भी। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है ये सिंपल है, जिसमें एक एक हमने नरेशन दी होती है, एक सिंपल बयानिया दिया होता है, वो मुझे मिलने आएगा, ही विल कम टू सी मी, वो हर रोज सबक सुनाएगी, शी विल टेल द लेसन डेली, वो सुबह सैर को जाएंगे, दे विल गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, तुम अपने दोस्त की दावत कबूल करोगे, यू विल एक्सेप्ट द इन्विटेशन ऑफ योर फ्रेंड। तो इसमें आपने देखा कि चाहे वो ही है, शी है, दे है, यू है, सबके साथ विल लगेगा। कुछ लोग ये रिकमेंड करते हैं, पहले आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर दूसरे हों, ही शी इट वगैरह हो और उनके अंदर जरूर का मीनिंग आ रहा हो, ट्रांसलेशन हमने करनी हो, तो उसके साथ हम शैल लगा सकते हैं। लेकिन अब जो मौजूदा रूल है वो यही है कि आप हर एक के साथ, मतलब जिस तरह आई और यू, आई और वी के साथ शैल लगा हुआ है, तो हम आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ये इसकी एक्सरसाइज है, आप इसकी एक्सरसाइज को कीजिएगा। ये 10-15 सेंटेंसेज हैं। मुसाफिर सुबह सामान बांध लेंगे, वो अपने दुश्मन को माफ कर देंगे, मैं आज जलसे में तकरीर करूंगा वगैरह, ये सारे आपने इसको लिख के थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें नहीं होती है, जिसमें कोई इनकार होता है। कुछ तलबा बाकायदा काम नहीं करेंगे, सम स्टूडेंट्स विल नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली, क्लर्क वक्त पर दफ्तर नहीं आएगा, द क्लर्क विल नॉट कम टू ऑफिस इन टाइम, अफसर चपरासी को तंबीह नहीं करेगा, द ऑफिसर विल नॉट वॉन द पियन, बाज मुलाजिम मेहनत से काम नहीं करेंगे, सम सर्वेंट्स विल नॉट हार्ड वर्क। इस तरह आपने देखा विल है, शैल है, इनके बाद आपने सिंपली नॉट लगा देना है। अगर आपको सादे सेंटेंसेस आ जाते हैं तो नेगेटिव बनाने में कोई मसले वाली बात नहीं है। ये इसकी एक्सरसाइज है। पाकिस्तान सीमेंट ड्रामा नहीं करेगा, दुश्मन जंग नहीं जीतेगा, हमारी फौज शहरों को तबाह नहीं करेगी, आज आंधी नहीं आएगी, कोई सियासी जमात जुलूस नहीं निकालेगी वगैरह। इनके आपके जो मीनिंग्स हैं मुश्किल लफ्जों के, ये भी नीचे दिए हूँ। फिर आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें सवालिया, मतलब कोई आप क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारे लिए खतरे का सामना कौन करेगा, हु विल फेस द डेंजर फॉर यू, क्या लोग पागल कुत्ते के पीछे भागेंगे, विल द पीपल रन आफ्टर द मैड डॉग, क्या
तुम मकान कब खाली करोगे? When will you vacate the house? क्या मुसाफिर गाड़ी से रह जाएंगे? Will the passengers miss the train? गवाला दूध में पानी क्यों मिलाएगा? Why will the milkman mix water with milk? तो इस तरह के ये बाकी भी सेंटेंसेस हैं, इनको आप अच्छी तरह पढ़ें। और ये मैंने इसकी एक्सरसाइज आपको दी है, क्या तुम अपने दोस्त को पहचान लोगे? वो हमें अपनी बंदूक देने से क्यों इनकार करेंगे कर देंगे? क्या लड़के ये वाक्य याद रखेंगे? क्या वजीर इस्तीफा नहीं देगा? पुलिस छापा क्यों मारेगी? वगैरह। इनके मुश्किल अल्फाज की मीनिंग भी दी है, इनको आप पढ़ें और समझें, और अगर कोई बात नहीं समझ आती तो आप सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।